हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। अभी तक हमने मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और आर्चेस का कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टू हिंज आर्च का हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का डेरिवेशन। आज हम टू हिंज आर्च का न्यूमेरिकल करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लास्ट तक देख लेते हैं और आप भूल जाते हैं लाइक करना। तो लाइक नहीं मिल पाता फिर हमारा एक डिमोटिवेशन आ जाता है कि लाइक्स नहीं मिले। और आप एक काम करिए कि अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो आपको चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टू हिंज आर्च से। जो न्यूमेरिकल है वो उसको मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, अ पैराबोलिक आर्च हिंज्ड एट द एंड्स हैज़ अ स्पान ऑफ 30 मीटर एंड राइज 5 मीटर। तो देखिए मैं लिखता भी जा रहा हूँ बताता भी जा रहा हूँ। एक पैराबोलिक आर्च है, बोल रहा है हिंज है एट द एंड्स हैज़ अ स्पान ऑफ 30 मीटर। ये हमारा हो गया आर्च, हिंज है एट द एंड्स और जो स्पान है वो है एल इज इक्वल टू 30 मीटर। और बोल रहा है सेंट्रल राइज है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है एच इज इक्वल टू, ये दिया है आपको कितना 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है अ कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 12 किलो न्यूटन एक्ट्स एट 10 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हिंज। लेफ्ट हिंज से आपका 12 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है 10 मीटर के डिस्टेंस पर, मतलब यहां से लेके 10 मीटर के डिस्टेंस पर एक लोड लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 12 किलो न्यूटन। इस तरीके से इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अभी हम यहाँ रिएक्शन लगाएंगे, आगे देख लेते क्या बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एंड रिएक्शन एट द हिंजेस, ऑल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एनीवेयर ऑन द आर्च। तो आपसे हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। देखिए टू हिंज आर्च में क्या होगा, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है उसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपसे बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछेगा। हो सकता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही कैलकुलेट करवाए और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछे, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम रिएक्शन अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आर ए और ये हो गया एच ए, यहाँ पर आपका हो गया आर बी और यहाँ पे हो गया एच बी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बोल रहा है हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, स्टेप वन, सबसे पहला काम है हमें क्या, रिएक्शंस को कैलकुलेट करना है, आर ए आर बी की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट है रिएक्शंस को कैलकुलेट करना। रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, समिशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। वर्टिकल फोर्स है आपका आर ए और आर बी और साथ में एक 12 किलोमीटर का लोड। तो यहाँ देखिए आर ए अपवर्ड है तो मैंने उसको पॉजिटिव ले लिया, प्लस आर बी वो भी अपवर्ड है तो मैंने उसको भी पॉजिटिव ले लिया। उसके बाद जो W है यानी कि 12 किलोमीटर का लोड है वो डाउनवर्ड है, तो आ जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ गई आर ए आर बी की, चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं हम, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन हम लगा रहे हैं क्या, इस ए पॉइंट पे हम मोमेंट का सम इज इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, तो वहां से क्या आ जाएगा आर बी इंटू किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ए पॉइंट पे मोमेंट निकाल रहे हैं, तो आर बी का डिस्टेंस लेंगे ए पॉइंट से तो वो कितना है 30 मीटर है। सॉरी, तो आर बी इंटू 30 ये हो गया। उसके बाद देखिए एच ए जो है इससे पास हो रहा है, एच बी जो भी है उसकी लाइन ऑफ एक्शन भी ए से ही पास हो रही है, यानी कि उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जीरो है, तो इसे लेने की जरूरत नहीं है। फिर बच्चा कितना आपका 12 किलो न्यूटन, तो इसका जो डिस्टेंस है इस ए पॉइंट से ये है 10, तो आ जाएगा 12 इंटू 10। हम थोड़ा सा साइन देख लेते हैं, जो आर बी है ये आपका ए पॉइंट है, आर बी ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में
और जो 12 किलो न्यूटन का लोड है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि अपोजिट। ठीक है, तो किसी एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव ले लेते हैं, तो आरबी को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस ये इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आरबी की हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आ जाएगा आरबी इज इक्वल टू 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 30, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा आपका कितना 4 किलो न्यूटन। आरबी की जो वैल्यू है वो आपकी निकल के आ गई है 4 किलो न्यूटन। तो आर भी आ गया, तो हम आर ए कैलकुलेट कर लेंगे इस इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ से 4 किलो न्यूटन को अपन यहाँ रख के देखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आर ए इज इक्वल टू 12 माइनस आर बी। आर बी की वैल्यू आई है 4, यहाँ रख देते हैं, तो आर ए की जो वैल्यू मिल गई वो हमें मिल गई 8 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे वर्टिकल रिएक्शंस तो आ गए, अब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के लिए हमें इक्वेशन लगानी है, तो वो कौन सी इक्वेशन थी मैं ये बना देता हूँ, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, चाहे तो आप समेशन ऑफ एफएक्स इज इक्वल टू बी जीरो लिख सकते हैं। एच ए जो है आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो यह हो गया पॉजिटिव, और एच बी जो है राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एच बी इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया एच ए इज इक्वल टू एच बी इज इक्वल टू, हमने लास्ट क्लास में देखा है यही अननोन आने वाले हैं, तो इसको मैं कैपिटल एच से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस एच को कैलकुलेट करने के लिए हमने लास्ट क्लास में इसका पूरा डेरिवेशन किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाकर चेक कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। तो अब हमारी जो फोर्थ इक्वेशन बनने वाली है जिससे हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे, वो एक तरह का फॉर्मूला है जो हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया है। क्या है फॉर्मूला? एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू वाई डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसकी मदद से हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब मेन चीज अभी क्या है यहाँ पे, अभी वाई नहीं पता हमें, तो वाई का देख लेते हैं। आपसे क्या बोला है, पैराबोलिक आर्च है, तो पैराबोलिक आर्च में वाई इज इक्वल टू होता है 4hx अपॉन एल स्क्वायर और एल माइनस एक्स, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है पैराबोलिक आर्च की। तो हम वैल्यूज यहाँ पुट अप कर देते हैं, यहाँ जाएगा 4 इंटू एच कितना दिया हमारे पास 5, तो आ जाएगा 5 इंटू एक्स को भी फिलहाल मैं एक्स ही लिख देता हूँ, और L की वैल्यू कितनी है 30 स्क्वायर, यानी कि 30 इंटू 30 हो गया, यहाँ आ जाएगा 30 माइनस एक्स। इस तरीके से इसको चाहे तो आप काट सकते हैं, तो हम काट देंगे इसको, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 से काटेंगे तो यहाँ जाएगा कितना 6 जा, इसको आप काट दीजिए आ जाएगा 2 जा, यह आ जाएगा कितना 15, 2 1 जा, यह आ जाएगा 3 जा। तो जो आपकी इक्वेशन है वो कैसी आ जाएगी, यहाँ बचा है x और 15 इंटू 3 आ गया 45, तो जो इक्वेशन आ गई वो आ गई x अपॉन 45 30 माइनस एक्स। ये काई की इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास y की एक जनरल इक्वेशन आ गई, लिख देता हूँ, ये है y इज इक्वल टू ये। ठीक है, ये आ गई, तो अब इसको हमें यहाँ रखना पड़ेगा और यहाँ रखना पड़ेगा, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, कैलकुलेशन इसका बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसको आप जितना ज़्यादा तोड़कर करेंगे उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी क्वेश्चन को करने में, और उतनी कम आपकी चांसेस रहेंगे क्वेश्चन को गलत करने में। तो इसलिए आप कोशिश करिए तोड़कर करिए, ताकि आपके आंसर भी सही आए और आपका कैलकुलेशन भी ईजी हो जाए। तो अपन क्या करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन म्यू इंटू वाई डी एक्स को हम एन से डिनोट कर दे रहे हैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब ये क्या हो जाएगा, टोटल लेना है हमें, तो यहाँ से हम थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं, ये ए बी हो गया, ये आप इस चीज़ को सी पॉइंट दे देते हैं इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएंगे आपके कुछ एक पार्ट हो जाएगा जहाँ पर हमें इस वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो
तो हम इसको अगर ये पूरा ए से बी तक है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए से सी और ये जो भी चीज़ है तो इसको हमने ऐसा रहने दिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी से बी और ये जो आपका अंदर जो भी रहेगा उसको हम अभी कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से। तो इसको हमने तोड़ दिया, तो अगर इसको हम तोड़ रहे हैं तो ए से सी के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से लेके 10 प्लस यहाँ पर जाएगा 10 से लेके 30 और जो भी यहाँ पे इनकी वैल्यूज अभी हम कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा। तो n को मैंने पहले ब्रेक करके देख लिया, अब देखिए a से c के अंदर क्या आएगा। अब मैं एक पर्टिकुलर कोई एक सेक्शन ले लेता हूँ यहाँ पर, ये इसका डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक x है तो जो बाकी डिस्टेंस बचे क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स इस तरीके से। अब इसकी मदद से हम इस म्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब म्यू का ही ध्यान रखना है आपको सबसे ज़्यादा कि म्यू कैसे निकालते हैं। तो अब हमें ए से सी के लिए भी निकालना है और बी से सी के लिए भी निकालना है, तो ठीक है यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले म्यू निकालते हैं ए से सी के लिए। ए से सी के अंदर देखिए एक्स सेक्शन मैंने यहाँ लिया है तो यहाँ पर हमें म्यू निकालना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये ध्यान रखना कि जब हम म्यू निकाल रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस के कारण मूवमेंट है, ठीक है। तो आप इस केस में आप इस एच ए को मत कंसिडर करिएगा, यहाँ गलती हो जाती है। तो यहाँ पर म्यू ए सी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स। आर ए की वैल्यू हमें पता है 8, तो हो जाएगा 8 इंटू एक्स। तो यहाँ मुझे म्यू ए से सी मिल गया। दूसरी चीज़ मुझे ये सी से बी, तो यहाँ इसको लिख देते हैं सी से बी कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब 30 माइनस एक्स भी पता है मुझे, तो मैं यहाँ एक्स के ही टर्म में रखता हूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन बनानी है। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ आर बी इंटू में आ जाएगा 30 माइनस एक्स। आर बी की वैल्यू अब हमें पता है 4 आई है, तो आ जाएगा 4 30 माइनस एक्स। तो ये हमें दोनों वैल्यूज मिल के आ गई, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हमें इस इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। तो यहाँ हम रख देते हैं 0 से लेके 10 तक में, ठीक है। इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। 0 से लेके 10 तक में आपको ये रखना है 8x, तो आ जाएगा 8x और जो y आएगा वो आ गया, ठीक है। y की जो हमने जनरल इक्वेशन रखी थी वो रखेंगे। और 10 से लेके 30 में हमें वो रखना है, तो आ जाएगा 4 30 माइनस एक्स इंटू में y dx। अब इसको हमें एक एक करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से रैप कर देता हूँ, इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व करिए क्योंकि बड़ा कैलकुलेशन जाता है, थोड़े जीरोस वगैरह आ जाते हैं तो उसमें क्या है गलती हो जाती है। तो सबसे पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट और इसका नाम दे देता हूँ सेकंड। अब इनको हम तोड़ तोड़ के कर रहे हैं ताकि आपका कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट। फर्स्ट में क्या है आपका, इंटीग्रेशन 0 से लेके 10 8 इंटू एक्स इंटू वाई। की जनरल इक्वेशन क्या थी हमारे पास, मैंने निकाली थी x अपॉन 45 30 माइनस एक्स, इस तरीके की हमारे पास एक जनरल इक्वेशन थी। अब हमें क्या करना है, जो भी कांस्टेंट चीज़ें उसको बाहर निकाल लेते हैं और ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 45 कांस्टेंट है ये भी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 0 से लेके 10 रहेगा, x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये x इंटू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो आ जाएगा x का क्यूब। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन मिल गई। अब इससे आप क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, इज इक्वल टू 8 अपॉन 45 इंटीग्रेट करते तो आ जाएगा 30 इंटू एक्स को स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और जो लिमिट रहेगी वो आ जाएगी 0 से लेके 10 इस तरीके से, ठीक है। अब मैं ये सारी चीज़ें रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा अलग से, इतना ही रब करते हैं। अब हमें वैल्यूज़ को पुट अप करना है, तो वैल्यू पुट अप करके देखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 8 अपॉन 45 यहाँ आ जाएगा 30 इंटू एक्स की वैल्यू रखनी है 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 का क्यूब अपॉन 3 माइनस
आ जाएगा 10^4/4। और जब जीरो रखेंगे तो ये तो जीरो चला गया, यहाँ पर भी जीरो रखेंगे तो चला गया, तो लोअर लिमिट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करिए, 10^3 यहाँ है और एक 10 ये है, तो 4 इस 10^4 को हम कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं और 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 8 × 10^4/45। यहाँ हमने पूरा कैंसिल आउट कर दिया है, तो यहाँ बचेगा 1 − 1/4। तो 1 − 1/4 करेंगे तो यह जगह कितना 3/4, तो यह जगह कितना, यह जगह 8/45 × 3/4 × आपका आ जाएगा 10^4। ठीक है, चाहे तो आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, चाहे आप ऐसे ही रखे रहेंजिए, क्योंकि अभी हमें इसको भी सॉल्व करना है, उसमें भी अभी ये वैल्यू इसको आएगा। ठीक है, तो चाहे तो हम इसको अभी यहीं इतना ही कर देते हैं ताकि आपको आगे इसका यूज़ आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट की वैल्यू। अब हम करेंगे सेकेंड को सॉल्व, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं, पूरा ड्रॉप कर देता हूँ। चलिए सेकेंड को सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला जो हमारा पार्ट था, तो ये क्या है, अब ये ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ये क्या है आपका 10 से लेके 30 तक है, उसके बाद 4 × 30 − x और y की वैल्यू देखिए यहाँ पर x/45 (30 − x) ये वैल्यू है, और इसे हमें डिफरेंट इंटीग्रेट करना है x के टर्म में, तो dx आ चुका है। ठीक है, और एक चीज़ हमें जो याद रखने वाली कौन सी है, ये वाली है, तो बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ से रब कर देते हैं। चल अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा, 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, 45 को कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर आ जाएगा तो जाएगा 4/45, इंटीग्रेशन करेंगे 10 से लेके 30 तक, उसके बाद 30 − x इंटू करेंगे 30 − x, तो क्या आ जाएगा 30 − x का होल स्क्वायर, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, साथ ही साथ ये x भी है तो उसका भी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या है a − b का होल स्क्वायर आने वाला है, लिख देते हैं यहाँ पर ऐसा, क्या है 30 − x का होल स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में इंटू में x भी आएगा। ठीक है, तो इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कितना होगा 900 प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 × a × b होता है, तो 2 × 30 करेंगे आ जाएगा 60 × x करेंगे। अब इस पूरी चीज़ में हमें क्या करना है, इस x का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 900 x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ और इस x का हो जाएगा x², तो ये आपकी इक्वेशन आ गई पूरी। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने क्या किया, a − b के होल स्क्वायर को ओपन किया, तो आ गया a² + b² − 2 × ab, उसके अंदर मैंने x का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ आ गया x, ये होगा क्यूब और यहाँ पर हो गया x² इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x² / 2 प्लस x³ का इंटीग्रेशन जाएगा x⁴/4 माइनस 60 × x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x³/3 इस तरीके से, है ना। और लिमिट जो हमें रखनी है वो कैसी रखनी है, 10 से लेके 30 तक लिमिट रखनी है। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी हम रखने नहीं देंगे, बाकी सारी चीज़ों को रब कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डालना है और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, 4/45 को तो हम पहले बाहर निकाल के रख देते हैं, अब यहाँ क्या हो जाएगा 900, एक्स की जगह पे पहले क्या रखना है 30 को रखना है, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में 2 है, प्लस 30 की पावर 4 करना है, यानी कि 30 की पावर में आ जाएगा 4, डिवाइड में आ गया 4, माइनस 60 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 30 लिख सकता हूँ, और x का क्यूब करना है मतलब 30 का क्यूब करना है, डिवाइड में आ गया 3। तो ये मैंने सिर्फ अपर लिमिट रखी है, अब हमें लोअर लिमिट भी रखना है। ठीक है,
थोड़ा सा हम इसको भी देखिए कर दे, ये क्या है 30 का स्क्वायर, ये भी है 30 का स्क्वायर, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 30 का पावर 4। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे माइनस, ये तो अपर लिमिट थी, अब हम लोअर लिमिट रखने वाले हैं, तो लोअर लिमिट रखेंगे तो मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ ताकि आपके कैलकुलेशन में प्लस माइनस की गलती ना हो। तो अभी माइनस मैंने बाहर कर दिया है, इसको मैंने अलग एक ब्रैकेट में रख दिया है, यह आ जाएगा 900 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखनी है 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर आपका आ जाएगा प्लस 10 to the power 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 60 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 3। अब देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है और बच्चे यहीं आकर फंस जाते हैं, पर देखिए बहुत आसान तरीका है इसको करने का, आप क्या करिए कॉमन निकालिए जो जो चीज़ें कॉमन निकल सकती हैं, तो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा एक बार। ज़्यादातर बच्चे इसलिए 2 hinge arch को नहीं करते जबकि देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कैसे करते हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ 30 की पावर 4 ये है, 30 की पावर 4 ये है, और यहाँ देखिए 30 की पावर 3 ये है और एक 30 ये है, यानी कि 30 की पावर 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4/45 और यहाँ आ जाएगा 30 की पावर 4, बचेगा कितना यहाँ पर 30 की पावर 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 माइनस, तो देखिए इतनी चीज़ तो कॉमन आ गई थी, 2/3 के लिए बची माइनस 2/3 ये कॉमन आ गया। उसके बाद माइनस में करेंगे हम ये वाली चीज़, तो आ जाएगी माइनस, अब देखिए यहाँ पे भी कॉमन जो चीज़ें निकल रही हैं, 10 की पावर 4 देखिए यहाँ पे ये है और यहाँ देखिए 10 की पावर 2 ये है, 10 की पावर 2 ये है, सिमिलरली 10 की पावर 3 ये है और एक 10 ये है, यानी कि 10 की पावर 4 कॉमन निकल के आ सकता है, तो आ जाएगा 10 की पावर 4 कॉमन ब्रैकेट, यहाँ क्या बचेगा आपका ये 2 0 चले गए, यहाँ बचा 2 9/2 बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, ये तो पूरा कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा प्लस का 1/4 बचेगा माइनस, यहाँ से 0 चला गया था, 3 से चाहे तो आप इसको काट दीजिए, बचेगा कितना 2, तो यहाँ बचेगा कितना 2। अब देखिए इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, आप क्या करिए इस 30 की पावर 4 है, इसको आप कैसा लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4 इस तरीके से लिख सकते हैं, तो अगेन ये 10 की पावर 4 जो है वो कॉमन आके बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम पूरे को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक एक करके कॉमन ले लेते हैं, चीज़ें यहाँ से क्या आ जाएगी, ये वाली चीज़ अभी हम रैप कर देते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए इतने बड़े कैलकुलेशन को हमने इतने आसान तरीके से कर दिया, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे बिल्कुल कॉमन निकल के आ जाएंगी, तो यहाँ देखिए 4/45 तो कॉमन निकल के आ गया, साथ ही साथ 10 की पावर 4 जो है वो भी कॉमन निकल के आ गया। ठीक है, अब जो बच रहा है हमारा वो उन चीज़ों को ले लेंगे, यहाँ पे क्या बच रहा है 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 कितना होता है आपका 81, तो यहाँ आ गया 81, और यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2, 4 और 3 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस यहाँ लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस यहाँ लेंगे तो कितना आ जाएगा इसका हम करेंगे तो 4 × 2 = 8 आ जाएगा, इस तरीके से इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 10 की पावर 4 को हमने ऑलरेडी कॉमन बाहर निकाल लिया था, तो माइनस में यहाँ ये वैल्यू बचेगी कितनी, एलसीएम ले लेते हैं हम इसका कितना 4, तो यहाँ आ जाएगा 18 + 1 - 4 = 8 इस तरीके से ये वाली वैल्यूज आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/45 × 10⁴। अब ये देखिए कितना हो गया 6 + 3 = 9 माइनस 8 कर दिया तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से हम इस 3 से क्या काट देते हैं इसको, तो आ जाएगा 3 कितने 27 सा, ये आ जाएगा कितना 4, तो यहाँ बचेगा 27 / 4। ठीक है, माइनस यहाँ देखिए 18 + 1 = 19, 19 में से 8 चला गया आपका तो बचा कितना 11, तो यह बचेगा 11/4। ठीक है,
अब 27 में से हम 11 को माइनस कर देते हैं तो बचेगा कितना 16, तो यहाँ आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 से हम काट देते हैं आ जाएगा 4, ठीक है। इस 4 का मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 16 अपॉन 45 इंटू 10 टू दी पावर 4। ये हमें किसकी वैल्यू मिली, सेकंड की, ठीक है। फर्स्ट क्या था हमारा, ये अब फर्स्ट और सेकंड को हमको सम करना है, तो देखिए यहाँ पर यहीं सम करके लिख देता हूँ इसको, इस वाली चीज़ को हम कॉमन करके यहाँ लिख देते हैं, प्लस 8 अपॉन 45 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 10 टू दी पावर 4, इस तरीके से इसको हम सम करके लिख देते हैं। अब देखिए कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, क्या क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, 8 अपॉन 45, ठीक है, और 10 की पावर 4 भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना आपका यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2 प्लस, यहाँ बचेगा आपका 3/4, इस तरीके से, और 10 की पावर 4 तो हमने वैसे भी कॉमन निकाल के देख लिया। अब इसको आप जब पूरी को सॉल्व करेंगे यहाँ कितना 4 2 8 8 और 3 11 आ जाएगा, तो यह जाएगा 8 अपॉन 45 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 11 अपॉन 4, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो हम उसको, मैं उसको एक फ्रैक्शन के टर्म में लिख रहा हूँ, तो वो कितना आ जाएगा 44,000 डिवाइडेड बाय आपका रही है कितना 9। ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ईजिली आ जाएगी। तो ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आई, ये काय की वैल्यू आई है, ये हमारे हॉरिजॉन्टल जो हमने एक फॉर्मूला लिखा था उसके ऊपर वाली वैल्यू आई, इसको हमने नाम दिया था एन, यानी कि न्यूमरेटर, ठीक है। अब जो हमारा काम बचा है वो डिनोमिनेटर का बचा है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। अब किसकी जरूरत है, हमें बस n की जरूरत है, तो हम इस पूरे को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये n लिखा जाने देते हैं जो आपका न्यूमरेटर की वैल्यू, ठीक है। अब बचा हमारा डिनोमिनेटर, तो जो आपका डिनोमिनेटर था वो था क्या, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dx, इसको हम कैसे लेंगे, 0 से लेके 30 तक, ये तो सिंपल ही है, क्योंकि y जो है पूरा थ्रू आउट आपका y चेंज नहीं हो रहा है। इससे पहले जो हमने किया है वो क्या है, मूवमेंट था, मूवमेंट आपका ए से सी में कुछ अलग था और सी से बी में अलग था, इसलिए हमें उसको तोड़ना पड़ा था। पर जो वाई है ये एक डिस्टेंस की वैल्यू को बता रहा है, एक आपके ऑर्डिनेट्स को बता रहा है, इसलिए इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसको हम लिख देते हैं कैसा, 0 से लेके 30, वाई स्क्वायर मतलब क्या था, एक्स अपॉन 45, यहाँ आ जाएगा 30 माइनस एक्स, ये आपके y की वैल्यू थी, इसका हमें करना है क्या स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ क्या आ जाएगा, ये 45 है, इसको कॉमन लेके बाहर कर देते हैं, 1/45 का स्क्वायर ही आ गया, ठीक है। 30 माइनस एक्स का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, और ये x का भी स्क्वायर आएगा, उसको हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 30 का स्क्वायर इज 900 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, माइनस 30 इंटू 2 इज 60 इंटू एक्स, ये तो क्या आया, 30 माइनस एक्स का मैंने होल स्क्वायर किया है, उसके बाद इस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर का यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ एक्स था तो यहाँ जाएगा एक्स क्यूब, तो ये हमारी एक क्वेश्चन पूरी बन गई। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ये हमने इंटीग्रेट नहीं किया है, अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने सिर्फ स्क्वायरिंग करी है, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ इंटीग्रेट करते थे 1/45 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो जाएगा 900 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4 है तो यहाँ जाएगा एक्स की पावर 5/5 माइनस 60 इंटू एक्स की पावर 4/4 और लिमिट है 0 से लेके 30। सिंपल वैल्यूज को पुट अप कर रहा है, आंसर आ जाएगा आपका 1/45 का स्क्वायर, ये आ गया, मुझे 30 रखना है तो यहाँ आ जाएगा कितना, देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 30 का स्क्वायर इंटू यहाँ आ जाएगा 30 का क्यूब डिवाइड बाय 3
प्लस यहाँ जाएगा 30 की पावर 5 माइनस 60 को मैं क्या 2 इंटू 30 लिख लूँ इंटू 30 की पावर 4 डिवाइड बाय 4। ठीक है, जीरो लिमिट रखने की जरूरत नहीं क्योंकि जीरो 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 पूरा टर्म जीरो हो गया तो उसकी कोई वैल्यू की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए आप 30 की पावर 5 सब में से कॉमन आ रहा है तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना बड़ा कैलकुलेशन था और कितने छोटे में हमने करके देख लिया। ठीक है, तो यहाँ 30 की पावर 5 को आप कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ जाएगा 30 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 45 का स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ क्या बचा आपका 1/3 प्लस यहाँ तो 1 बचा अकेला माइनस यहाँ कितना बचेगा आपका 2/4 यानी कि 1/2 बच गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ क्या जाएगा एलसीएम ले। ठीक है, तो एक चीज़ छूट गई यहाँ पर 30 की पावर यहाँ पे 5 भी था तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 5 इस तरीके का। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम ले लेते हैं इसका। शिट, उसकी वैल्यू को हमें मिटाना नहीं था, वो आपका कितना था 44,000 डिवाइड बाय 9 ही हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू थी। ठीक है, अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5 3 15 और इंटू 2 करेंगे 30 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लेंगे 30 की पावर 5 ये रहने दीजिए 45 का स्क्वायर ये है इंटू में करेंगे एलसीएम लिया कितना हमने 30 तो 5 से इसको 3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 10 प्लस 5 से करेंगे आ जाएगा 6 माइनस यहाँ आ जाएगा 15 इस तरीके 10 प्लस 6 इज 16 माइनस 15 कर देंगे तो बचेगा 1 तो 1/30 आ जाएगा 30 से 1/30 कट गया तो 30 के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना आपका 30 के पावर 4/45। इस पूरी चीज़ को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 400। ठीक, तो फाइनली जो वैल्यू आपकी यहाँ आ रही थी या रही थी 30 की पावर 4/45 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 400। ठीक है, तो ये आपको मिल गया क्या डिनोमिनेटर की वैल्यू। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला था हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का वो था क्या H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू इनटू y अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dx। इसको मैंने n बोल दिया था, इसको मैंने d बोल दिया था। इसकी जो वैल्यू आई है ये आई है 44,123 अपॉन 9 और जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू कितनी आई है 400 तो 1/4 आ जाएगा 400। इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जो हमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 12.12 मिल रही है सॉरी 12.22 किलोन्यूटन। ये हमें एच की वैल्यू मिल रही है। देखिए इस पूरे क्वेश्चन में बेसिकली ये एच को फाइंड आउट करने वाली ही डिफिकल्टी थी। अब आपसे कहीं पे भी कुछ भी चीज़ बोल देता है तो अगर आपने 3-inch आर्च पैराबोलिक आर्च करा हुआ है तो आप इसको भी वैसे ही कर सकते हैं क्योंकि यहाँ रिएक्शन आ गया तो आप कोई चेंज नहीं होने वाला। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि आप रिजल्टेंट को फाइंड आउट करो और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट करो तो वो भी अब कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से। हमारे पास सारे रिएक्शंस की वैल्यूज आ गई हैं। अब आप क्या करिए अगर आपको एंड्स के ऊपर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिएक्शन चाहिए है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अगर जो रिजल्टेंट है उसको हम डिनोट कर देते हैं आर एस ए से और इसका जो इंक्लिनेशन है उसको बोल देते हैं थीटा ए। सिमिलरली इस बी पॉइंट पर जो आएगा उसको हम बोल देते हैं आर एस बी और इसका जो इंक्लिनेशन है उसको हम बोल देते हैं थीटा बी। तो इनको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे आर एस ए इज इक्वल टू अंडर रूट आर ए का स्क्वायर प्लस एच ए का स्क्वायर। आर ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 8 तो 8 का स्क्वायर प्लस एच ए मतलब क्या था हमारा जो हमारा एच निकला है एच इज इक्वल टू एच ए इज इक्वल टू एच बी इसकी वैल्यू आई है 12.22 किलो न्यूटन। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट अप कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 12.22 यहाँ आ जाएगा अंडर रूट इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ये आपकी जो आर ए की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 14.61। ठीक है, उसके बाद हमें थीटा निकालना है तो कैसे निकलेगा 10 थीटा ए इज इक्वल टू आर ए अपॉन एच ए। आर ए की वैल्यू है आपके पास 8 एच ए की वैल्यू है 12.22। थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 10 इनवर्स को उस तरफ कर देते हैं यहाँ आ जाएगा 10 इनवर्स करेंगे
एट अपॉन 12.22, तो यहाँ से जो थीटा ए है वो निकल के आ जाएगा आपका 33 डिग्रीज आ जाएगा 14 मिनट, ठीक है। तो थीटा ए आ गया, सिमिलरली थीटा बी निकाल लेंगे हम, ठीक है। ये हमारे रिजल्टेंट निकाला है ए पॉइंट पर, अब हम बी पॉइंट पे निकालेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आर बी निकालेंगे तो अंडर रूट अपॉन, जैसा यहाँ ए था वहाँ पर बी आ जाएगा, आर बी का स्क्वायर प्लस एच बी का स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं आर बी की वैल्यू कितनी थी, 4, तो अंडर रूट कर देते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 12.22 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आर बी की जो वैल्यू आ रही है, आर एस बी की सॉरी, 12.85 आ रही है वैल्यू, ये आ रही है 12.85 किलो न्यूटन। और जैसा थीटा ए निकाला था सिमिलरली थीटा बी भी निकालते हैं, तो यहाँ थीटा ए की जगह मैं थीटा बी कर देता हूँ, इसकी जगह पे ये बी हो गया, यहाँ पे भी आपका बी हो गया, इस एट की जगह पे आपका यहाँ 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से आप सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ बी आ जाएगा। और जो थीटा बी की वैल्यू आ रही है वो 18 डिग्री 6 मिनट आ रही है, तो आ जाएगी 18 डिग्री और 6 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ गया, एंड्स के ऊपर रिजल्टेंट निकल के आ गया और उसका डायरेक्शन निकल के आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, हमसे क्वेश्चन में बोला था मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी पूछा था कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एनीवेयर ऑन द आर्च कहाँ आएगा। तो देखिए यहाँ तो अभी फिलहाल पॉइंट लोड है, अगर पॉइंट लोड है तो हमें पता है कि पॉइंट लोड के नीचे ही आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलता है, ठीक है। और जहाँ पे लोड होता है वही आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, तो जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा आर्च पे वही आपका मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट भी होगा पॉइंट लोड के केस में। अगर यूडीएल होता तो हमें अलग से उस एक की एक इक्वेशन बनानी पड़ती और एक्स डिस्टेंस को निकालना पड़ता जहाँ पे हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिलती। तो ठीक है, अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, अभी तो पॉइंट लोड है तो इसको हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अभी हमें वायर निकालना पड़ेगा। इस 10 मीटर पर हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ वाई की वैल्यू नहीं पता। तो वाई की आपकी इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 45 30 माइनस एक्स, ये हमने कैलकुलेट करके निकाली है अभी। तो ये यहाँ एक्स की वैल्यू हम क्या रख दें, हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू हो गई 10 मीटर, तो आ जाएगा 10 अपॉन 45 या जगह 30 माइनस 10, ठीक है। तो ये रख लो, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 30 में से 10 चला गया आपका आ जाएगा 20, और यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो ये जो x की वैल्यू है ये आ रही है 4.44, ये मुझे y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए, m 10 चाहिए, मतलब 10 मीटर पर चाहिए, इसलिए मैंने m 10 लिख दिया। तो m 10 पे क्या आ जाएगा, आर ए इंटू 10 माइनस एच ए इंटू वाई। आर ई की वैल्यू मेरे को पता है आपकी कितनी है, 8 इंटू यहाँ आ जाएगा 10 माइनस एच ए की वैल्यू है 12.22 इंटू वाई की वैल्यू है 4.44। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जो वैल्यू मिलके आ रही है यार 25.74 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारी मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है जो इस आर्च पे आने वाला है। अब मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की बात बची, तो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पर्टिकुलर एक्स सेक्शन लेना पड़ेगा जहां पर आपका क्या है मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो अब उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स सेक्शन मान लेते हैं, यहाँ कहीं हम ऐसा एक्स सेक्शन मान लेते हैं। इस एक्स सेक्शन पे हम मान रहे हैं कि मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आने वाला है, तो उस एक्स सेक्शन पे मैं इसको बोल देता हूँ एम एक्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर बी इंटू एक्स माइनस एच बी इंटू वाई। अब ध्यान रखिएगा ये वाई और ये वाई अलग अलग चीज़ है, ये वाई क्या था, ये वाई था आपका 10 मीटर पर, और ये जो है y वो आपका इस x मीटर पे है जो अभी हमें नहीं पता है। तो y की जगह पे आपको इस इक्वेशन को रखना पड़ेगा, ठीक है। आर बी की जो वैल्यू थी वो थी 4 इंटू, यहाँ पर अभी x हमें नहीं पता है तो x रख दिया। एच वी की वैल्यू है 12.22, और y की जो इक्वेशन है वो रखनी पड़ेगी x अपॉन 45
30 माइनस एक्स इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डेल एम एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमें उसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, तब हमें मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। एक्स को हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका, यह बचेगा 4 माइनस, यहाँ आएगा 12.22। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 30 बाय, चाहे तो आप 45 को बाहर ही निकाल लीजिए, 45 तो आ जाएगा। एक्स का जब अंदर मल्टीप्लाई करें और डिफरेंशिएट कर दिया तो बचा कितना 30, और यहाँ करेंगे तो आ जाएगा माइनस, यहाँ था एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, एक ही अननोन है x, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये जो x की वैल्यू है ये आ रही है x इज इक्वल टू 7.624, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये आ गया 7.624। और जैसे ही ये x की वैल्यू आ गई, आप इस वाली इक्वेशन में x को रख दीजिए और mx की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ, ये x यहाँ से मिटा दिया, यहाँ से मिटा दिया, यहाँ से मिटा दिया, और यहाँ पर हम रख देते हैं x इज इक्वल टू 4 इंटू 7.624, और ये आ जाएगा 7.624। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो आपकी मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रही है उसको हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा कितना, एम एक्स इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 15.8 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो आपका क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया। आप चाहें तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा आपका 3 इंच में बना था बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। यहाँ पॉइंट लोड है तो ये स्ट्रेट लाइन आ गया, यहाँ तक आ गया ये सीधा स्ट्रेट, और आपका इस तरीके से। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें पता है कितना है, और ये डिस्टेंस हमें पता है कितना, ये आपका 7.64 वाला डिस्टेंस हो गया, और ये डिस्टेंस कितना हो गया 10। तो इस तरह से आपका बेंडिंग मोमेंट आ गया। आप चाहे तो इसको शेड भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट वाला। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन, और इस क्वेश्चन के साथ में हमारा आर्चेस वाली जो यूनिट है वो यहाँ पर फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास से हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की यूनिट को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ज़रूर बताइए कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। आपका फीडबैक ही हमारे मोटिवेशन का कारण बनेगा, जितना आप फीडबैक देंगे हम उतना अच्छा आपको क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही हम एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।